अरे गाइस यार, आज तो फैंकी पे बाहर गए थे। अरे यार, मैं तो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। और नन्हे को दीदी के घर भी नहीं जा सकता यार, वो तो घर पे ही नहीं है। अरे रुको, लगता है घर के बाहर कोई है। चलो चल के देखते कौन आया। अरे कौन आ गया अभी इसी टाइम पे, फैंकी पे घर पे नहीं है, जाओ जाओ। अरे वाह, इतनी सारी दीदी यार। अरे दीदी कैसी हो? क्या तुम हमारे साथ घूमने चलोगे? अरे क्या घूमने, अरे रुको रुको अभी चलते। अरे जल्दी से नहा लेता हूँ यार, दीदी के साथ घूमने जाना मुझे। जल्दी जल्दी चलो नहा लेते हैं, स्विमिंग पूल में कूदते हैं। अरे कैसे फटाफट से नहा लेते, फिर दीदी के साथ घूमने जाएंगे, बहुत मजे आएंगे। अरे चलो चलो चलो, अरे चलो नहा लिया मैंने, चलो चलते हैं। अरे दीदी मैं आ गया। ओए क्या हाल है? अरे तुम कहने हो? चलो शिनचैन हमारे साथ। अरे कहाँ चलना है, क्यों चलना है, मुझे नहीं चलना। चुपचाप चलो वरना हम तुमको खा जाएंगे। अरे मैंने क्या किया, फैंकी भैया बचाओ मेरे को। चुप रहो चलो। तो गाइस यार, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना के आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने घर में फटाफट से। चलते शिनचैन को बताऊंगा पिकनिक पे हमने कितने मजे किए। शिनचैन, ओ शिनचैन, शिनचैन जल्दी आ जा। ओए आ गया मैं। ए, ये कौन है? ए, ये गॉडज़िला कहाँ से आ गया? ओए शिनचैन हमारे कब्जे में है, अगर शिनचैन चाहिए तो इस एड्रेस पर आ जाना वरना उसको जला देंगे। अबे ये तो बहुत ही खतरनाक था, इसके मुंह में से तो आग निकल रही थी और शिनचैन को पकड़ के ले गई। अरे ये क्या हो गया और ये मेरे घर में कैसे आए? अबे ये क्या चल रहा है, मुझे शिनचैन को बचाना पड़ेगा। फटाफट से इस एड्रेस पर चलते जो कि उन्होंने मुझे दिया है। तो गाइस फटाफट से चलते हैं, मैं शिनचैन को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये क्या, यहाँ पे तो और भी बड़े बड़े गॉडज़िला है। हमारे घर पे तो ये छोटा सा गॉडज़िला है था, पर इसके सामने ये गॉडज़िला तो बहुत ही ज्यादा बड़े। अरे फायर गॉडज़िला भैया मैं आ गया, बताओ शिनचैन कहाँ पे, उसको छोड़ दो ना, उसने क्या किया है? ओए मेरी बात सुनो, वो देखो शिनचैन। क्या शिनचैन, अबे शिनचैन ऊपर क्या कर रहा है? अरे फेंकी भैया मुझे बचा ले, अरे फेंकी भैया गॉडज़िला मुझे खा जाएंगे। अबे कैसे बचाऊं तेरे को, और इतना ज्यादा ऊपर क्यों टंगा दिया तेरे को? तो गाइस आप देख सकते हो एक केज में डाल के शिनचैन को इतना ऊपर टंगा दिया है, और ये गॉडज़िला देखो कितने ज्यादा बड़े लग रहे हैं। चलो इनसे बात करते हैं, इनको क्या चाहिए। ओए अगर तुम शिनचैन को बचाना चाहते हो तो तुमको करने पड़ेंगे पूरे के पूरे तीन काम। अगर वो तीनों तुमने काम कर दिए तो हम शिनचैन को छोड़ देंगे, वरना तो हम उसको कच्चा चबा जाएंगे। अरे बताओ बताओ मुझे क्या काम करना है? ये लो पेपर और देख लो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा देख लेते। तो गाइस यार इसमें यार तीन तीन टास्क लिखे हुए, पर इसमें से सिर्फ पहला टास्क ही दिख रहा है। पहला करते ही दूसरा दिखेगा, दूसरा करते ही तीसरा दिखेगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें हमारा पहला टास्क है लाइक एंड सब्सक्राइब। ओ गाइस यार ये तो टास्क आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। गाइस यार अगर आप शिनचैन को बचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से जाके अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। अरे गाइस यार जल्दी से कर दो वरना मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाऊंगा। अरे गाइस यार फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अभी हमारा टास्क अनलॉक होने वाला है सेकंड वाला। और गाइस यार हमारा अनलॉक हो चुका है सेकंड टास्क, और ये क्या लिखा हुआ है, गिव 10 शार्क्स टू गॉडज़िला। क्या 10 शार्क? अबे कहां से लाऊंगा मैं 10 शार्क, पर कोई बात नहीं हमें लानी तो पड़ेगी। तो गाइस यार पहले तो मुझे चाहिए बोट, और यार बोट मेरे पास है नहीं, तो मुझे यहां से पहले तो बोट चुरानी पड़ेगी। अभी मैं घुस चुका हूं यहां पे और सामने देखो बड़ी सी बोट पड़ी है, इसी में सिर्फ यार 10 शार्क में लेके आ सकता हूं। पहले तो यहां पे बहुत सारे बंदे मुझे मारे जा रहे, फटाफट से इनको मैं मारता हूं। और इस बड़ी सी बोट में अपन बैठ चुके, सामने वो पानी है, उधर मुझे अपनी बोट को उतारना है। तो चलो फटाफट से लेके चलते हैं इस पहाड़ से, आराम से ही नीचे जाते जाते और सीधा पानी में उतर जाएंगे। तो गाइस यार ये बोट चलना चालू हो चुकी है और बस हम पानी में पहुंचने वाले और सीधा सीधा जा रहे। और गाइस यार बस पानी में पहुंच ही गए हम इस बोट को लेके, और बस ये आ चुके हैं यहाँ पे। एक सेकंड, सामने वाले पानी में जाना चाहिए हमें। और गाइस यार आखिरकार उस बोट को हमने उतार लिया पानी में, और अब जाके हमें यार शार्क के लिए फिशिंग करनी पड़ेगी। हमें यार पूरी की पूरी 10 शार्क पकड़ के लानी है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये। तो गाइस यार फटाफट से मैंने यहाँ पे निकाल लिया अपनी फिशिंग रॉड, फटाफट से शार्क्स का वेट करते हैं। अरे आ गए आ गए, ओ आ गए। और एक गाइस यार मैंने अपनी पहली शार्क पकड़ ली है। और भाई साहब कितना ज्यादा दम लगाना पड़ता था तो खींचने में। तो गाइस यार और भी शार्क निकलते हैं, और एक और अटकी अटकी अटकी। तो गाइस यार मैंने पकड़ लिए यहाँ पे पूरी ये पूरी 6 शार्क्स। पता है मुझे 10 पकड़नी थी पर मुझे यहाँ पे 6 ही मिली, इतनी देर से खड़ा था कुछ मिल ही नहीं रहा था। पर अभी आपको दिखा दो एक और खतरनाक चीज, ये है इतनी बड़ी वाली शार्क, मतलब ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ये देख सकते हो, पता नहीं क्या चीज है, कुल मिला के हमने इसको पकड़ लिया, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ये 1 या 10 के बराबर है। तो इन फटाफट से इनको लेके चलते हैं उस गॉडज़िला के पास। तो यार ये मेरा सेकंड टास्क था आपके लिए, मेरे को लानी थी शार्क्स, ये लो। अरे वाह ये तो बहुत ही टेस्टी लग रही है। ओए
खिला दो शार। अरे आप शिनचैन को छोड़ दो ना, फिर हम दोनों यार तीसरा टास्क कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले तीसरा टास्क कंप्लीट करो, फिर शिनचैन को छोड़ेंगे। तो देखते हैं अपना तीसरा टास्क क्या है। गेट मैजिक एग्स टू गॉडज़िला। क्या जादू अंडे, वो कहाँ मिलेंगे? अरे मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ कहाँ मिलेंगे, तुम लेके आओ। हाँ हाँ बताओ बताओ। तो गाइस सर, अभी मुझे हवा में बहुत ऊपर और पानी में बहुत नीचे जाना है उन जादू अंडों को लेने। बताता हूँ कैसे। अरे मेरे को बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। अरे बुरे अंडे, बुरे अंडे, फटाफट स्पेसशिप पे लैंड करते हैं। तो गाइस सर, इस यूएफओ से हमें चुराने ये अंडे। ये अंडे बाहर तो आ गए पर मैं गिरे जा रहा हूँ, फटाफट से अंडों को उठा लेते। और गाइस सर, मैं नीचे गिर रहा हूँ, पैराशूट तो मेरे पास है पर मुझे नहीं गिरना, बहुत ज्यादा ऊपर मैं पहुंच गया था। और गाइस सर, आखिरकार मुझे वो जादू अंडे तो मिल गए, पर अभी मुझे यार पानी के अंदर जाके अंडे लाना बाकी है। तो फटाफट से अपन यार आराम से लैंड करते हैं, फिर पानी के अंदर चलेंगे। तो हवा में से तो मैं अंडे ले आया, पर पानी के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। तो मुझे सामने कूदना है उसके अंदर। वहां पे यार उसने मेरे को गॉडज़िला ने बोला है मैं उस पानी के अंदर जाते ही किसी और ही टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। तो देखते हैं क्या वो हो पाता है। फटाफट से कूदते हैं और ये गया सीधा अंदर। और ये कहां गया मैं? अबे ये कौन सी जगह? एक सेकंड, ये क्या बना हुआ यहां पे? अबे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। फटाफट से अंडों को मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहां पे है वो अंडे? अरे मुझे अंडे मिल गए। एक सेकंड, यहां पे तो इतनी सारी मछली है, मैं अंदर कैसे जाऊंगा? अबे लगता है ये अंडों को डिफेंड करिए। अरे ये क्या, इन अंडों को उठाते ही तो इतनी सारी शार्क आ गई। अरे ये कहां से आ गई है? अबे इतनी सारी शार्क, अरे मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अरे इन्होंने तो पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। अरे गाइस यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। गाइस यार ये शार्क तो मेरे पीछे पीछे आ रही है, फटाफट से मुझे यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। इतनी सारी शार्क मेरे पीछे पीछे आ रही है, भागो भागो, तेज तेज स्विमिंग करनी पड़ेगी। अरे छोड़ दो मेरे को। अबे यार ये तो अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रही है, अबे ये अंडों के पीछे क्यों घूम रही है? अबे नीचे तो और भी है, अबे भागो यार। तो गाइस यार आखिरकार बचते बचाते मैं आ चुका हूँ जमीन पे, कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, मेरे पैर हाथ सबसे सही सलामत है। तो गाइस यार फटाफट से चलते हैं उन गॉडज़िला के पास, मुझे सारे के सारे मैजिक एग मिल चुके। ये लो आपके मैजिक एग। ओए ये अंडे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे भैया बहुत स्वादिष्ट है। अरे हाँ बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया, तूने सारे के सारे तत्तु गॉडज़िला को खुश किया। ये ले शिनचैन। मैं आ गया। अरे शिनचैन छूट गया तू। अरे फेकी भी आपने मुझे बचा लिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे तत्तु गॉडज़िला तुमसे बहुत खुश है, इसलिए हम तुमको देना चाहते हैं फायर गॉडज़िला की तरफ से बहुत सारा गोल्ड, आइस गॉडज़िला की तरफ से बहुत सारा डायमंड और अर्थ गॉडज़िला की तरफ से बहुत सारा कैश। अरे क्या सही में? अरे हाँ ये सब तुम्हारा है, जाओ ले जाओ मजे करो। अरे गाइस यार ये तो बहुत ही खतरनाक है, आइस गॉडज़िला ने हमें डायमंड दे दिए और फायर गॉडज़िला ने हमें यार बहुत सारा गोल्ड दे दिया और अर्थ गॉडज़िला ने हमें बहुत सारा कैश दे दिया। अरे शिनचैन हमारे तो बहुत ही मजे हो गए। तो गाइस यार जब इतना सारा गोल्ड पैसा डायमंड मिलता है तो क्या करना चाहिए? एक नया घर लेना चाहिए। तो गाइस यार हमने ले लिया नया नया घर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक घर है ये, आपको दिखाता हूँ फटाफट से। पहले अपन गैराज में अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हो हमारी कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है। गाइस यार आपकी सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है मुझे कमेंट में जल्दी से जाके बता दो। ये देखो भाई कितनी सारी तगड़ी तगड़ी यहाँ पे गाड़ियां खड़ी है, रेंज रोवर से लेके बुगाटी तक, फरारी तक, सारी की सारी गाड़ियां। ये रहा हमारा छोटा सा गैराज, पर इससे हमको मतलब नहीं है, अभी आपको लेकर चलता हूँ हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे। फटाफट चलते हैं इस लिफ्ट में और हम आ चुके हैं भाई ऊपर। और गाइस यार आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे पूल टेबल हमें दिख चुका है और यहाँ पे क्या है देखते हैं। तो गाइस यार ये रहा हमारी भाई बड़ा सा घर बना हुआ है, डाइनिंग टेबल, इतने बड़े बड़े सोफा, बाहर स्विमिंग पूल भी है जिसमें अभी पानी नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा धूप हो रही है कि सारा का सारी पानी सूख चुका है। और ये रहा एक बेडरूम बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला और इसके जस्ट पास एक और बड़ा सा बेडरूम। अरे अरे ये तो बाथरूम है, हाँ मतलब शिनचैन के लिए बेडरूम क्योंकि शिनचैन तो बाथरूम पे सोता है। तो गाइस यार आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे और अभी हमारे पास एक और फ्लोर ऊपर जाना बाकी है और यहाँ पे एक और बड़ा सा बेडरूम है, ये बहुत ही ज्यादा मस्त है। यहाँ पे सामने से देखो यार लॉस सैंटोस का क्या ही व्यू आता है और साइड में भी खिड़की है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला ये रूम है। अभी चलते हैं अपन ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अभी हम आ चुके ऊपर वाले फ्लोर पे, यहाँ पे देखो यार दो तीन गेम्स लगे हुए, यहाँ पे हम कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा मजे, बड़ा सा टीवी, बड़ा सा सोफा। और यार ये वाला फ्लोर मैंने ज्यादा देखा नहीं था तो अभी आपके साथ ही मैं देखने वाला हूँ कि इस फ्लोर पे और क्या क्या है। यहाँ पे देखो यहाँ पे पूल टेबल लगी हुई है, यहाँ पे एक बेडरूम और इसके आगे एक और बेडरूम, भाई यहाँ पे दो दो बेडरूम है इस वाले फ्लोर पे। और यहाँ पे देखते हैं क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे ये योगा वोगा करने
रखा है, यहाँ पे बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, और ये क्या, हमारा पर्सनल जिम। तो गाइस यार आपको तो पता है ये जिम करना कितना जरूरी होता है, और ये यार मस्त पार्टी एरिया बना रखा है जहाँ पे छोटा सा बाथटब भी रख रखा है, और यहाँ पे देख रहे थे क्या है, और ये हमारा छोटा सा बाथरूम। तो गाइस यार फटाफट से कमेंट करके बता दो ये घर आपको कैसा लगा, कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा मस्त घर है ये, और ये हमारा गोल्डन हेलीकॉप्टर। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से जाके कमेंट में बता दो, और गाइस यार इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना, और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।